नमस्कार दोस्तों, होली आने को है तो मुझसे ये पूछा गया, मैं हमेशा आपके सामने होता हूँ किसी प्रश्न के उत्तर के लिए, अपने स्टूडेंट्स के, अपने रोगियों के, अपने क्लाइंट्स के। तो ये क्वेश्चन था कि होली का कुछ चिकित्सकीय महत्व भी है, यानी मेडिकल कोई इसका बेनिफिट भी है क्या। देखिए, भारत का कोई भी त्योहार, कोई भी पर्व है ही नहीं ऐसा जो उसकी कोई वैज्ञानिक महत्ता ना हो। होली वैसे तो सब बताते ही हैं कि चेंजेस आते हैं, हर जगह पे चेंजेस आ रहे होते हैं, तो वही चेंजेस हमारी बॉडी में भी आ रहे होते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा जो मैंने अपने इन 20-25 सालों के एक्सपीरियंस में पाया, होली का जो महत्व है ना, वो आप होली से कोई भी ऐसी बीमारी जो ठीक ना हो रही हो उसका उपचार शुरू कर लो, होली से निपटते ही आप किसी भी भयंकर से भयंकर बीमारी का उपचार शुरू कर लो, आप ठीक हो जाओगे। कैसे हो जाओगे, अब इसका वैज्ञानिक आपको आधार बताता हूं। कोई भी रोग हो, वो रोग आपको होता है, शुरू कहां से होता है, थॉट्स से, नेगेटिव थॉट से। और वो नेगेटिव थॉट ही, जिसको नशे की आदत है उसको नशा करवाते हैं, वो नेगेटिव थॉट्स ही एंगर लाते हैं, जेलेसी लाते हैं, इनसिक्योरिटी लाते हैं, फियर लाते हैं। और ये सारे ही नेगेटिव थॉट्स कहां पे पनपते हैं, हमारे मन में। और होली कैसा त्योहार है, होली त्योहार है मन को सबल बनाने का। जितना ज्यादा होली में हम इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा हमें पुश किया जाता है कि होली में हम इन्वॉल्व हों, खुशियां मनाएं, दूसरों को रंग लगाएं, मतलब किसी भी तरह से बस हर्ष उल्लास में रहना है, खुशी मनाना है। तो जब हम खुशी में रहते हैं तो जितनी भी साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप ठीक होने लगती हैं। और साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम ही आज की सबसे बड़ी बीमारियां हैं, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो तनाव हो, चाहे वो किसी भी तरह का इमोशनल टाइप की प्रॉब्लम हो या कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, सब साइकोसोमेटिक है, तनाव से शुरू होके और ये कैंसर तक पहुंच सकती है। तो जब आप पॉजिटिव हो जाएंगे, होली से, होली वाले दिन ही सब पॉजिटिव होने लगता है, तो आप कोशिश करिए कि होली में जरूर इन्वॉल्व हो। आप ये मत समझिए कि ये तो सब ऐसा ही है, लेकिन जब आप हमारे जो पर्व हैं, जो हिंदू रीतियां हैं, जो हमारे संस्कार हैं, उसको अगर जो आप ठीक से फॉलो करते हो तो आपको पता चलेगा कि इनकी कितनी महत्ता है। उस हर्षोल्लास को, उस खुशी को, उस हैप्पीनेस को अपने अंदर रोक के रखिए। और जैसे ही आपने वो होली से शुरू किया, तो किसी भी तरह की बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे इमोशनल हो, इवन चाहे वो सोशल, जिसको मैं कहता हूं डिपेंडेंसीज, नशे वगैरह की जो परेशानियां हैं, तो वो नशे वगैरह की भी परेशानी, और होली पे नशा नहीं करिएगा। मतलब कोई भी जो अच्छी चीज है उसी को अपनाना है, ये नहीं कि जी होली पे हमें पीने का मौका मिल जाता है, भांग खाने का मौका मिल जाता है, ऐसा नहीं है। खुश रहने का असलियत में, जो फॉल्स फीलिंग देती है एल्कोहल, ड्रग्स, भांग वांग, ये जो सब चीजें, ये सब फॉल्स फीलिंग देती है। असली हैप्पीनेस अपने आप अंदर से आती है, उसी हैप्पीनेस को होली पे हम अपने अंदर पाते हैं। बस उसी को आप मेंटेन रखिए और आप ये देखिएगा किसी भी तरह की परेशानी हो आप उससे निजात पा लेंगे। इससे ज्यादा कोई आपको और जानकारी की जरूरत है तो एनडब्ल्यूएम मास्टर्स हमेशा आपके साथ होते हैं, आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार है। हमारी वेबसाइट पे लिख दीजिए, वहां पे वेबसाइट पे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे लिख दीजिए, कहीं पे भी हमें फॉलो करिए, ट्विटर पे करिए, फेसबुक पे करिए, आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। लेकिन फिर वही वाली बात है, एक ही मेरा मैसेज है होली के लिए और किसी भी रोग के इलाज के लिए, के अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए। थैंक यू वेरी मच।